अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल रऊफ, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। नाज़रीन, आज की खबर है UCID फाउंडेशन को लेकर। जनाब तस्कीन अहमद और उनकी टीम ने मिलकर आज सिटी सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैदराबाद में सिटी सिविल कोर्ट में एक प्रेस मीटिंग रखी गई है, जिसमें जनाब तस्कीन और उनकी टीम ने हिंदुस्तान में बढ़ते हुए क्राइम पर बात की है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है और तेलंगाना आवाम के लिए एक खुशखबरी का ऐलान किया है। UCID फाउंडेशन की जानिब से 3 सालाना यानी लॉ ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी मुकम्मल पर उनको एक सर्टिफिकेट भी दी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट काउंसिल मेंबर के ज़रिए से। आइए देखते हैं और मज़ीद जनाब तस्कीन और उनके टीम ने क्या कहा है, आइए देखते हैं इसी की एक तफसीली रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब, मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट UCID फाउंडेशन और सहारा वर्ल्ड ग्रुप से आप लोग का भाई। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार का जिसने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा और इतने अच्छे काम ले रहा है, और ख़ास करके मेरे तमाम मीडिया भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज़ सारी ऑफिशियल तक और आवाम तक पहुँचाते हैं। और स्पेशली मैं जितने भी यहाँ डायस पे बैठे हैं, मैं सीनियर्स लॉयर्स और PP साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उसी के साथ ही साथ जो लीगल अथॉरिटी है जो सिटी सिविल कोर्ट की, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे जो प्रेस मीटिंग रखा गया है आवाम की नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, जो सिटी सिविल कोर्ट के अंदर जो परमिशन हमारे SP मैडम ने दिया है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके जो आज का एजेंडा है प्रेस मीटिंग का, प्रेस रिलीज़ का, तो मैं पहले तो सारी आवाम के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि सारी आवाम जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है भाई, सभी के लिए खुशखबरी है कि ये UCID फाउंडेशन के तो सभी लोग जानते हैं, चर्चे सारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैल रहे हैं बड़ी ज़ोरों से आप लोग की दुआओं से। तो सारे जितने भी घरेलू मसले से ऑफिशियल मसलों तक जितने भी आज तक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको अवेयरनेस के लिए, जो लॉ का अवेयरनेस है उसकी अवेयरनेस के लिए मेरी सारी UCID फाउंडेशन टीम और मैं, मेरे जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो एक्सपर्ट लॉयर्स हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, जो अतीकुर रहमान साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, वो भी इनसे जुड़े हुए हैं UCID से। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सारी आवाम के लिए, जितने भी लोग लॉ के अगर स्टडीज़ लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं अवेयरनेस के लिए, वो हमसे राब्ता करें UCID फाउंडेशन से, ताकि हम सारी कंप्लीट हमारी तरफ से नॉलेज उनको दें। और इसमें जैसा कि मार्केट में तकलीफ़ें आती हैं, कई लाख्स ऑफ रुपीस चार्ज करते हैं नॉलेज के लिए, लॉ के लिए, और क्राइटेरिया, लीगल क्राइटेरिया भी बहुत होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे अगर UCID फाउंडेशन की तरफ से अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इंटर, एटलीस्ट इंटर होनी चाहिए, ताकि नॉलेज होनी चाहिए आपको, ताकि हम लोग आपको नॉलेज दे सकें लॉ की, जिसमें अवेयरनेस बोलते हैं हम लोग, लॉ का अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि हर घर घर में चाहिए नॉलेज रहने के लिए लॉ का, ताकि क्राइम कंट्रोल हो सके। और दूसरा ये है आज के लिए जो प्रेस मीटिंग के लिए, दूसरा है कि जितने भी मार्केट में क्राइम बढ़ रहा है, जो घरेलू मसले से ऑफिशियल मसलों तक जितने भी प्रॉब्लम्स केसेस हो रहे हैं, किसी को प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो रहा है, प्रॉपर लॉयर नहीं मिल रहा है, और के गाइडेंस जो होता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और केसेस बड़ी ज़ोरों से चल रहे हैं मार्केट में और क्राइम भी बड़ी ज़ोरों से बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगा जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सभी लोग जितने भी फॉलोअर्स हैं, हमसे राब्ता करें UCID फाउंडेशन से, अगर आपके जो भी केसेस हैं सारे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे घरेलू मसले से ऑफिशियल तक, वो हमसे राब्ता करें, क्योंकि हम उनको कम से, अब ये भी ना है, ऐसे ना सोचें कि हम लोग कमर्शियली काम कर रहे हैं, हम लोग आप लोग की सेवा में हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट में अगर जो भी चार्ज होता है आपके केसेस के ऊपर, तो सिर्फ हम एग्जांपल बताते चलते हैं कि अगर 100 रुपीज़ अगर चार्ज होता है, तो हमारे पास आपको 50% का कम से कम में हम आपको सहूलत देना चाहते हैं, क्योंकि मकसद एक ही है कि हम क्राइम कंट्रोल करना चाहते हैं और उसी के साथ ही साथ आपकी सेवा में जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ जितना भी क्राइम बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करें और डिपार्टमेंट को भी साथ दें, ऑफिशियल गवर्नमेंट को भी साथ दें, ताकि हम लोग सब एक अपना कंट्री को अच्छे से लेकर चले और जितना भी हमारे शांति, अमन शांति है तेलंगाना स्टेट हैदराबाद में, इसी तरह बरकरार रखें हम लोग। और सारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि हम सब एकता में रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जितने भी लोग को अगर प्रॉब्लम्स है घरेलू मसले से ऑफिशियल तक, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए स्क्रीन पर, उस पर कॉल करें, और ट्रेनिंग जिसको लेना है वो भी कॉल कर सकते हैं लॉ की ट्रेनिंग, और क्योंकि हम चाहते हैं कि हर घर घर में नॉलेज हो इसकी,
और उसी के साथ ही साथ जितने भी केसेस हैं मार्केट में, जो आपके भी होंगे, हर घर में होते हैं कुछ ना कुछ केसेस, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो लॉयर्स हैं, जैसा कि हमारी प्रमिला मैडम है जो सीनियर लॉयर है, और सुभानी साहब है जो सीनियर लॉयर है, और महालक्ष्मी मैडम है, और ख़ास करके हमारे यहाँ पे बीच में जो डायरेक्टर ऑफ प्रोस्टिगेशन जो पीपी है, जो हमारे सैयद खालिद साहब है, जो माशाल्लाह काफ़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट लोग जानते हैं, काफ़ी एडवाइजेस देते हैं मार्केट में, और काफ़ी कुछ ऐसे कारनामे किए हैं कि सारे लोग को छाप रखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ आप लोग। हम चाहते हैं कि ये लोग भी हमारे, मैं इन लोग का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमारे UCID के लिए, हमारी टीम के लिए सपोर्टिव बनकर रहे हैं और लीगैलिटीज़ में बहुत ही ज़ोरों से काम कर रहे हैं। और मेरी तमाम UCID फाउंडेशन नेशनल टीम से लेकर एक्टिव मेंबर तक, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और हमेशा मीडिया भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रमिला मैडम से कुछ एडवाइस लें आप लोग भी, और सारी आवाम जितनी भी मेरे को देख रही है आज, तो आपको जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप ये दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नहीं, हमारे हाँ वो भी एक ले लें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चार्जेस की बात है तो मैं आपको एक चीज़ बता दिया कि यहाँ पे जो केसेस की बात है, पहले तो केसेस के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया कि जो लॉयर्स है, ऑफिशियल लॉयर्स है, ये छोटे मोटे लॉयर्स नहीं है, सभी जानते हैं, ये लोग को पहचान है मार्केट में, और इतना मैंने एग्जांपल दिया कि मार्केट में अगर आपको ऑलरेडी केसेस के लिए 100 रुपये लग रहे हैं या पैसे नहीं है आपके पास, जैसा कि आप तो कारनामे देख चुके हैं UCID के, कई लोग जो बेगुनाह हैं उनको जेल से भी बाहर निकाला गया हिंदुस्तान के अंदर, और कई लोग को हम लोग इतना राहत दिलाए हैं अल्लाह के करम से, जो लोगों को सहूलत मिले। और यहाँ पर जो हम लोग फीसेस चार्ज करेंगे मार्केट में, जो अगर एग्जांपल 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं तो हम लोग 50 या उससे बहुत कम करेंगे, क्योंकि हमारे ये लॉयर्स करेंगे। UCID फाउंडेशन 1 रुपया आज तक नहीं लिया और लेगा भी नहीं। अगर कोई बंदा UCID फाउंडेशन का अगर चार्जेस लेता है तो वो हमसे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। थैंक यू सो मच। एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस एड्रेस बता दीजिए। बिल्कुल, और ये जो मेरा नंबर है, डायरेक्ट नंबर 6303337083, आई रिपीट 6303337083, और ऑफिस है हेड ऑफिस, जो हेडक्वार्टर्स है UCID और सहारा वर्ल्ड ग्रुप का, जो बंजारा हिल्स रोड नंबर 11 पे, अपोजिट केयर हॉस्पिटल। तो जिसको भी अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू सो मच। ओके, गुड आफ्टरनून, मेरा कोलिक एडवोकेट्स एंड UCID पॉन्डर तस्किन सर को और मेरा कोलिक एडवोकेट्स को, फ्रेंड्स को, पूरों को गुड आफ्टरनून। मैं बोलना चाह रहे इसमें क्या है बोले तो, सबको हर एक इंसान को प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तरह से प्रॉब्लम्स है, बट कैसा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उन लोगों को सही तरीके से उन लोगों को एनालाइज नहीं कर सकते, करेक्ट एडवाइस उन लोगों को नहीं मिल रहे। इसीलिए हम UCID फाउंडेशन मेन एजेंडा क्या है, पूरों को करेक्ट लीगल एडवाइस देना चाह रहे, फ्री एडवाइस हमारे UCID में दे रहे। और बाकी का क्या है बोलो तो, फैमिली इश्यूज और लीगल ओपिनियंस, क्यों बोलो तो कौन कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते फैमिली में। నా పేరు మహాలక్ష్మి, అడ్వకేట్గా చేస్తున్నాను, అంతేకాదు ఆంధ్ర మహిళా సభలో కౌన్సిలింగ్స్ చేస్తాను, అదే రకంగా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీలో కూడా సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. నాకు ఒక ఓరట అనేటువంటి ఫౌండేషన్ కూడా ఉంది, ఆ ఫౌండేషన్లో ఫ్రీగా అంటే ఎవరికైనా సరే ఏ సమస్య వచ్చినప్పటికీ, అది మానసికం కావచ్చు లేదంటే చట్ట ప్రకారం కావచ్చు, దానికి వాళ్ళు ఎటువంటి ఏజ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడము, వాళ్ళది వినడం అనేది నా వృత్తి ప్రవృత్తి. అయితే నేను విన్నటువంటి UCID అనేటువంటి సర్వీసెస్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఇందులో ఏంటంటే నేషనల్ వైడ్ సర్వీసెస్ వీళ్ళు ఇస్తున్నారు. క్రైమ్ రేట్ పెరుగుతుందంటే ఇప్పుడు మనం అనేకమైనటువంటి క్రైమ్స్ చూడొచ్చు, మేబీ అవి అఫెన్సెస్, రేపు కానీ, సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ కానీ, సైబర్ క్రైమ్స్ కానీ, లేకపోతే థ్రెట్ కానీ, ఏ రకమైనటువంటి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కానీ, మన చట్టానికి సంబంధించి మన రైట్స్ని, హ్యూమన్ రైట్స్ని వయోలేట్ చేసినవి కానీ ఏవైనప్పటికీ కూడా వారందరినీ ఒక వేదిక మీదకి తీసుకువచ్చి సీనియర్ లాయర్స్ తోట వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఈ సర్వీస్ అనేది అమోఘంగా ఉంటుంది. ముందుగా మాకు వచ్చినటువంటి ఈ కేసుల్ని మెంబర్స్గా మేము ఏం చేస్తామంటే, వాళ్ళకి మేము కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి పూర్తిగా విని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళతోటి మేము కన్సెంట్ తోటి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ సర్వీసెస్ ఫ్రీగాను, తర్వాత కొంత
బాగా తక్కువ ధరతో మార్కెట్ రేట్ కన్నా తక్కువ ధరతో మేము వాళ్ళకి చేయడం అనేది వాళ్ళకు ఉపయోగపడేటువంటి సర్వీసెస్ ఇచ్చి క్రైమ్ రేట్ తగ్గించి కంట్రోల్ చేసి ఒక చట్టానికి ఆ తర్వాత న్యాయం జరిపించే విధంగా మేము కృషి చేస్తూ ఉంటాం. ఈ కృషి అనేది మీ అందరి సహకారంతో అవుతుంది. మీ సహకారం మా సహకారం కలిస్తేనే క్రైమ్ రేట్ తగ్గించగలం, ఒక అభివృద్ధిని చూడగలుగుతాం, పురోగతిని సాధించగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ.